हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज इस वीडियो में हम आपको दो कंस्ट्रक्शन का ऐसा सवाल बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आप अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखोगे तो बहुत बार सवाल मिलेगा, लेकिन ये सवाल एनसीईआरटी का, ये दो सवाल जो मैं दिखा रहा हूँ वो दोनों सवाल आपको एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो एग्जाम में जो सवाल है मैंने देखा है और आप भी देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, सेम सवाल था, सिर्फ पांच की जगह पे चार लिख देगा, कभी तीन लिख देगा, ठीक है। लेकिन सेम, बाकी सारा कुछ सेम, 60 डिग्री का कोण ही बनाने बोलता है उस पर भी, है ना। और यहाँ पे त्रिज्या बोला 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त खींचना है, तो एनसीईआरटी का सवाल, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का सवाल ही नोट किया। लेकिन याद रखिए ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। तो जहां पे पांच रहेगा वहां पे तीन कर देंगे, जहां पे तीन रहेगा वहां पे पांच कर देंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं, जैसा बोलेगा उसी के हिसाब से हमको लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप पहली बार आ रहे चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ओके। तो पहले मुझे करना क्या है, पहले तो मुझे ये ले लेना है और इसको पूरा सही से पहले सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको करना क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बारे में बोला, तो 5 सेंटीमीटर हमको नापना है, ओके। तो फिलहाल मैं ये ले लिया हूँ, ओके। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मुझे, आप स्केल ले लो चाहे जो भी ले लो, है ना, यहाँ से 5 सेंटीमीटर आपका जो भी है वो नाप लेना है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर का ले लिया है। अब क्या करना है, एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त बनाना है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, यहाँ पे क्या है, इसका केंद्र ओ है। अब बोलता क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचे और वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं बनाए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, इसके सीधा में एक लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो है ओ से सीधा हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा, बस। अगर सवाल बोलेगा ओपी तो ओपी खींचेगा, मतलब ऐसे एक लाइन खींचना है, ठीक है, सीधा एक लाइन खींच देना है। जैसे हमको कैसे कोण बनाते हैं ना, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, तो कैसे एक लाइन खींचते हैं, मैंने खींच दिया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या करना, कोण बनाना है, ओके। खींचने के बाद मुझे क्या करना है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना, अब इसके इतना जरूरत नहीं है। अब हम क्या करना है, यहाँ पे इधर भी 60 डिग्री कोण बनाएंगे और इधर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम छोटा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। 60 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, यहाँ से रखेंगे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से ऐसे खींचना है, ठीक है। इधर खींच दिया इतना तो बन जाएगा, और इस पॉइंट से इधर भी खींच लेते, चूंकि इधर ही बनाना 60 डिग्री, तो इधर भी मैंने कॉपी को ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना, पॉइंट। अब ये ना, ये पॉइंट घसकना नहीं चाहिए, अगर घसक गया तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा, ये घसकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग मिलाते रहेंगे बार बार कि हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है। अब 60 डिग्री कैसे बनाते हैं, यहाँ से लेते हैं, देखिए आप लोग अक्सर पकड़िएगा इसको, अगर इसको पकड़िएगा ना ऐसे करके तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये पकड़िएगा। तो यहाँ से मैंने खींच लिया इधर, इधर से। अब 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रखेंगे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। और एक बार चाप ऐसे कटेगा ना तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से भी इधर भी चाप काटेंगे, वही माप का सेम यहाँ से भी 60 डिग्री का कोण बना देंगे। अब देखिए बोला क्या जा रहा है कि यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचना है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचना है और वो स्पर्श रेखा यहाँ पे 60 डिग्री बनना है, तब हमको ये सब काम करना पड़ रहा है। जब यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा, इसका मतलब है कि आपको मैंने बताया क्या था, आपको मैंने बताया था, देखिए ध्यान समझिए, कि अगर एक वृत्त है तो वृत्त के बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तो बोल रहा ना कि ये जो झुक रहा कोण ये 60 डिग्री होना चाहिए, तो जब ये वाला 60 डिग्री होगा इसका मतलब है कि ये वाला कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा, तब तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा, मतलब हमको इसको 120 डिग्री बनाना पड़ेगा। और अगर इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो इधर 60 बन जाता है और इधर भी 60 बनता है, तो हमको इधर 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमको स्केल की सहायता से हमको 60 डिग्री का कोण को खींच लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे अच्छी तरीके से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, है ना, इसको यहाँ पे मिलाने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे मिल गया। उसके बाद यहाँ से फिर ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को क्या करें, मिला लेंगे। तो हो सकता है मेरा पेज इधर भाग जाए, लंबा हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं, हो गया। अब क्या करना है, ओके, तो आपने 60-60 डिग्री का कोण बना दिया, है ना, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाया है, 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री हो गया, 120 डिग्री, अब इधर 60 डिग्री बनाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से स्पर्श रेखा कैसे खींच देंगे हम, और हमको तो पता नहीं कि ये कहाँ से खींचना है, यहाँ से खींचना है कि यहाँ से खींचना है कि यहाँ से खींचना है, तो हमको यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाना है, ठीक है। तो यही वाला जो पॉइंट हमारा है ना, इसी पॉइंट को यहाँ से फिर खींचेंगे इस तरह से,
अब ये तुम्हारा छोटा होगा या बड़ा होगा इसका मतलब नहीं, चूंकि मेरा कोण ये वाला बन गया, अब हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जब हमने ये वाला कर लिया है तो अब छोटा बड़ा नहीं करेंगे, ये कर लिया है तो छोटा बड़ा नहीं। और यही माप का इधर भी खींचना है 90 डिग्री, ऐसे कोई बड़ा माप भी खींच सकते, कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से मैं ये एक बार कट किया, कितना डिग्री बनता है, एक बार कट करने के बाद 60 डिग्री कोण बनता है, फिर ये इसी चाप से यहाँ पे कट गया, तो ये कितना बन गया 60 से 120 हो गया, 60 डिग्री इधर 60 डिग्री इधर 120 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आधा करेंगे, तो यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ से, भाई हिल तो नहीं जा रहा ना, ठीक है मेरा पॉइंट ठीक है, तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पे टच, लेकिन टच नहीं हो रहा ना, तो फिर से हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे, इसको अच्छे से इसको घुमा लेंगे ओके। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया 90 डिग्री कोण बन गया। अब क्या करना हमको, स्केल लेना है और उसके बाद मिला देना है, ठीक है ना। देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पॉइंट आ रहा और ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा, इस दोनों पॉइंट को लेते हुए जहाँ तक जाएगा एकदम वहीं तक सीधा से आराम से मिला देना है। यहाँ पे गया, ये वाला फालतू कट जाएगा, ठीक है ना। अब फिर यही काम उधर भी कर रहा है, तो हम ऐसे घुमा लेते हैं कॉपी को, क्या ऐसे घुमा लेते हैं कॉपी, घुमाएंगे तब नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पे लेते हैं, अब आपका कोई भी माप रहेगा, मेरा कोण बनाने के लिए कुछ भी माप हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ से एक चाप इधर खींच लिया, हो गया ना। आप इसको कोण में बांटेंगे तो इसको और थोड़ा बड़ा खींचते हो सकता है बढ़ जाए, क्या करेंगे एक चाप यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। दूसरा चाप यहाँ से खींचाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, भाई साहब यहाँ तक खींचा गया है ना, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, 120 हो गया। अब 100 ये वाला ना, ये 60 हो गया, अब इस 60 को आधा करेंगे तो 30 से बटेगा तो 90 बन जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट से इधर लिया और इस पॉइंट को यहाँ से रख के यहाँ खींचा, हो गया ना। देखिए इस पॉइंट को लेकर यहाँ पर खींचा और इस पॉइंट को लेकर यहाँ पर खींच दिया। अब क्या करना है आपको, पेंसिल उठाना है और ये स्केल उठाना है, जो भी है यहाँ पर पॉइंट है और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को लेते हुए क्या करेंगे, सीधा मिलाएंगे। देखिए इन दोनों पॉइंट को लेते हुए क्या करेंगे, सीधा इधर से ऐसे मिला देना, मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, अब यही तो हमारा झुकाव जो बना ना, अब ये जो झुकाव हो रहा तो देख रहे हैं आगे पीछे हल्का फल्का ये हो रहा, आपको ये ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा ये लाइनिंग थोड़ा सा हुआ इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं क्या करता हूँ इसको अब अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, मिटा देंगे और इसका कुछ नाम दे देंगे, ओ है तो इसका पी नाम दे देंगे, इसका नाम हम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दी, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री, यहाँ पे कितना बन गया 90, लिखो चाहे ना लिखो कोई हर्जा नहीं है। और ये कितना है, ये है 60 डिग्री, है ना। यही बोला जा रहा है कि वृत्त खींचे और यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाइए, झुका होना। अब ये जो हम बनाए ना इसको लिखना है, जो बात हम किए उसको लिखना है ओके। इस तरह से मैंने इसको बना दिया है और जो कुछ यहाँ पे काम किए ना इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख के पहले से बता दिया है, देखिए क्या है, ध्यान समझिएगा क्या क्या जो किया ना, जो भी किया यहाँ पे लिख दिया। अब मैं एक बार समझा देता हूँ क्या बोलता। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे थे, है ना, उसी बात को लिखे लिए हैं। वृत्त खींचा, वृत्त के केंद्र से ओपी खींचा, देखिए वृत्त के केंद्र है, यहाँ से ओपी खींचा, ठीक है ना, ओपी रेखा खींचा तथा ओ पर दोनों तरफ 60 डिग्री का कोण बनाया। ओ पर मतलब इधर भी कोण बनाया और इधर भी कोण बनाया, मतलब अपना लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना, कर दिया। फिर क्या बोलता, फिर मैंने क्या किया, ओ ए और ओ बी को मिलाया, देखिए जी ओ ए और ओ बी को मिलाए थे और ए और बी पे क्या किए थे, कोण बनाए थे, ठीक है ना, वही लिखते हैं, मिलाया तथा कोण ए तथा कोण बी पर 90 डिग्री कोण बनाया और पी ए पी बी को फिर मिला दिया। जब कोण बन गया तो पी ए, देखिए पी ए ये वाला पी ए और पी बी को क्या किए, मिला दिए। जब पी बी पी ए पी ए जब पी बी जब मिल गया तो इस तरह से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा बन गया और कोण जो ए पी बी जो है 60 डिग्री बन गया। यहाँ देखिए ए पी बी क्या हो गया, 60 डिग्री बन गया। इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बनाने आ गया। सेम ऐसे ही सवाल एग्जाम में आता है, आएगा यही आएगा, नहीं तो यहाँ पे 3 के जगह पे 4, यहाँ पे 5 के जगह पे 4 रहेगा, 4 भी आया एक बार, 3 भी आया है, ठीक है ना, ताकि थोड़ा छोटा बन जाए इसलिए ऐसा देता दे, ठीक है। लेकिन कंडीशन पूरा इसी तरीके से, उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया। एक सवाल और पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। दूसरा सवाल समझिए, देखिए दूसरा सवाल क्या बोलता है, बोलता क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे। ये भी सवाल आया है और इसके जगह पर 6 और 10 के जगह पर अंक चेंज था, यानी कि डिजिट चेंज था, लेकिन सेम सवाल सिर्फ डिजिट चेंज था। तो अगर हम इसको बता दें तो क्या आप वो नहीं बना पाओगे, बिल्कुल। तरीका आपको समझना है, ठीक है ना, तरीका समझना कि कैसे बनाना है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलिए फिर बनाते हैं।
तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, 6 और 10 आपके एग्जाम में थोड़ा कम आता है, तो मैं यही सवाल को हल करता हूँ, डोंट वरी। लेकिन ये थोड़ा सा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या तो बहुत बड़ा बन जाएगा जी, और 10 सेंटीमीटर अलग से लेना है, बाहर से बाहर मतलब जाएगा तो 4 बाहर तो जाएगा जाएगा, तो हम कॉपी को यूँ मूव कर लेते हैं, ठीक है ना, आपके एग्जाम में इसलिए छोटा करके देता है। तो कॉपी मैंने मूव कर लिया, और मूव करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे बताएंगे, तो पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या करके ले लेना है, आपका स्केल रहेगा जो भी है ना, स्केल लेने के बाद 6 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है, तो मैं नाप लेता हूँ और खींचता हूँ। तो मैंने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया, देखिए बड़ा सा बन गया। तो एग्जाम में क्या करता है, इसको छोटा करता है, 6 के जगह पे 3 दे देगा, समझे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के जगह पे 4 सेंटीमीटर बोल देगा, और जो बाहर अब क्या बोलता है देखिए, फिर मुझे घुमाना पड़ेगा, बोलता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, तो खींच लिया, और केंद्र जो पॉइंट है ना उससे 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु लीजिए, 10 सेंटीमीटर दूर पर। तो अगर मैं इसको ऐसे खींचा हूँ तो इससे 10 सेंटीमीटर दूर अगर जाएंगे हम, ठीक है ना, इससे 10 सेंटीमीटर दूर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 तो ऑलरेडी हो गया, यहाँ से तक 6 हो गया ना, तो हमको पहले सीधा सीधे सिंपल सा एक लाइन पहले खींच लेंगे, ठीक है ना, एक सीधा सा एक लाइन खींच लेंगे हम। तो चलिए मैं इसे घुमा के सीधा सा लाइन खींच लेता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लिया, और यहाँ से यानी कि यहाँ से तक 6 है, अब बोला क्या जा रहा, बाहर से मतलब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर खींचिए, तो भाई साहब यहाँ से तक 6 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो गया, तो यहाँ से मैंने 4 और लिए तो 10 हो गया, केंद्र से 10 हो गया ना, तो ये मेरा 10 हो गया, ठीक है ना, तो ये हमारा केंद्र है, ओके, ये क्या है, केंद्र है। अब मैंने इसका ओ नाम दिया, तो इसका नाम मैं देता हूँ पी, इस तरह चलो मैं कलम से दे चाहो तो कलम से दे सकता हूँ ओ, और यहाँ पर पी नाम दे दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब भी ये सवाल है ना, इस सवाल के लिए मैं बता रहा हूँ तरीका, अब इसके बाद ई दोनों पॉइंट को आधा करना, क्या करना, आधा, आधा करने के लिए जो लाइन है ना, ये लाइन से आधा से ज्यादा ये लेना पड़ेगा आपका, तो आधा से ज्यादा मतलब जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट है, तो आधा कितना, 10 का आधा 5 होता है, तो 5 से बड़ा लेंगे, मतलब थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, देखिए ये तो ऑटोमेटिक 5 से बड़ा है, ये जो यहाँ से आता डिस्टेंस 5 से बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ तक 5 आ रहा, 10 है यहाँ से तक 10 है, तो आधा यहाँ पे आएगा, तो 5 ले लेते हैं, तो हम उससे बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है ना, इसको क्या करना, आधा करना है, तो हम आधा करते हैं इसको, तो आधा कैसे करते हैं यार, यहाँ से ऐसे खींचेंगे, देखो ये तो हम तो 6 ही ले जाते, चलो बड़ा लेते हैं तो थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है ना, देखो मैं ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया, हमको आधा करना है, ठीक है ना, तो ऐसे खींचेंगे, इधर से खींचेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो एक रेखा ऐसे भी खींचेगा इधर से और इधर से खींचेगा, ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट कटेगा, ओके, तो ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, ये जो दोनों पॉइंट कटा है ना, ये दोनों पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है, देखिए मिला दिया मैंने, अब आप जो देख रहे हैं ना, मिला ना, देखिए आप चाहो तो देख सकते हो कितना है, देखो तो 5 है, देखो यहाँ से तक 5 है ना, यहाँ भी नापेंगे तो 5 आएगा, आ गया ना, तो आधा 5 5 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, तो फाइनली अब मुझे क्या करना है, यहाँ जो दो पॉइंट बना ना, एक पॉइंट यहाँ पे बना, वो जो डबल लाइन है वो मिस्टेक से खींचा गया था, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे बनेगा और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम जो है डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ठीक है ना, डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे, ओके, यहाँ भी मिला दिया और इधर भी मिला देंगे, ओके, इधर भी हमने डॉटेड लाइन से मिला देना है, ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट से लेकर डॉटेड लाइन को कहाँ मिलाएंगे, जहाँ पे वृत्त को जहाँ पे कटा ना, जहाँ पे वृत्त प्रतिच्छेद हुआ है वहाँ पे मिला दिया जाएगा, ओके, यहाँ पे मिला दिया, तो देखो इसका नाम हमको दे देना है, ए बी सी, ए बी करके नाम दे देंगे, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ए, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने बी, ओके, सॉरी ये वाला लाइन नहीं खींचना फिलहाल, ठीक है, ये लाइन हमारा जो खिंचाएगा स्पर्श रेखा, यानी कि जो त्रिज्या खिंचाएगा, ये त्रिज्या नहीं खींचना अभी, ठीक है ना, ये हमारा यहाँ तक कन्फर्म है, तो यहाँ तक हमारा अपन, अब करना क्या है ना, ये जो पॉइंट यहाँ से तक आधा है, यहाँ से तक आधा है, ठीक है ना, तो हमको यहाँ को ये क्या है, त्रिज्या है ओपी, देखो ये इसको मैंने एम मान लिया, जो जहाँ पे पॉइंट है ना, क्या मान लिया, एम मान लिया, तो आधा मैंने किया, आधा लाइन लिया, इधर भी देखो आधा है, और देखो इधर भी आधा है ना, मेन पॉइंट में, तो मेन पॉइंट हमारा कहाँ पर जा रहा, ये मेन पॉइंट है और ये इधर है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से एक वृत्त खींचना, एक वृत्त ड्रॉ करना यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से एक वृत्त को ड्रॉ करना है, और आपको ऐसे सीधा जो है ऐसे मतलब एक वृत्त को ऐसे खींचना, देखिए तो थोड़ा सा आपका स्केल जो प्रकार है वो घूमे नहीं, ठीक है ना, यहाँ से आपको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ड्रॉ हो गया, तो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा जो अलग से खींचा हुआ जो मैंने पहले खींचा था वो फॉल्स है, वो लाइन अभी नहीं खींचाएगा, वो लाइन अभी मिटा देता हूँ मैं, ये लाइन यहाँ पर तो होगा नहीं फिलहाल,
ठीक है ना, ये गलत मैंने कर दिया। ओके अब क्या करना है, देखो अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट बच गया, ये और कहाँ पे मिला, यहाँ पे नहीं मानेंगे, यहाँ पे बोलेंगे बी, ये जो बी है ना यहाँ पे बोलेंगे बी, और ये यहाँ पे ए नहीं बल्कि यहाँ पे जहाँ पे मिला है, यानी कि यहाँ पे मिला है और एक पॉइंट यहाँ पे मिला है। तो मुझे करना क्या है, सिंपली से काम है मुझे क्या करना है, बस मुझे इसको क्या करना है, मिला देना है, यानी कि स्केल लेना और क्या करना है, मिला देंगे। तो चलिए स्केल से लेके मिला ही देते हैं, ये वाला पॉइंट जो है इससे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, रखें ठीक है, डॉटेड लाइन में इसको मिलाना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला दिया, और इधर भी मुझे डॉटेड लाइन से मिला देना है जी, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है कहाँ पे गया, बी यहाँ पे आया, देखिए ये है ना, ये पॉइंट है बी, और यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से मिला देना है। ध्यान रहे आपका स्केल पर कर हिले नहीं। अब ये जो बात क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन को आपस में, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो पी वाला लाइन यहाँ पे मिल रहा, इसको यहाँ से लिख क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे मिल गया, और एक लाइन इधर से लेंगे, ये वाला लाइन है ए है और ये क्या है पी है, यहाँ से लेके इसको क्या किया, मिला दीजिएगा, मिल गया। तो हमारा ये जो लाइन बना ना, ये जो ए पी है, ए पी और पी बी यही है स्पर्श रेखा, ए पी और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ओके तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे जो जो काम किया उसको लिखने के बाद ही है। देखिए मैंने पहले क्या किया, एक वृत्त बनाया, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना लिया, और वृत्त बनाने के बाद बोलता कि 10 सेंटीमीटर बाहर, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर खींचिए, तो केंद्र से, तो यहाँ केंद्र से यहाँ तक तो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा खींच लिया मैंने, तो 10 हो गया। उसके बाद ई ओ पी जो है ना, इसको आधा करेंगे, तो आधा कैसे करेंगे भाई, तो ये आधा पॉइंट, यानी कि 10 है तो आपको 5 से ज़्यादा इसको लेना है, ठीक है ना, ये जो प्रोटेक्टर है, तो यहाँ से क्या करना, आधा लेना है। तो हमको यहां से एक चाप इधर खींचा, नीचे खींचा, फिर यहां रखे, एक चाप इधर खींचा, एक चाप इधर खींचा, और जो पॉइंट यहां मिला और जो यहां मिला इसको खींच दिया, तो ये मेरा आगे आधा। अब यहां पे क्या किया मैंने, इसको रखा और इसको मिलाया आराम से, इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया और इसे क्या किया, खींच लिया, एक वृत्त बना लिया। वृत्त जहाँ पे कटा है, इंटरसेक्ट हुआ है, वहाँ उसको मैंने ए बोल दिया और यहाँ पे मैंने बी बोल दिया, और ये मैंने डॉटेड लाइन से मिला दिया। उसके बाद ये इधर गया और ये इधर जाके मिल गया, तो ए पी और पी बी क्या हो गया, हमारा स्पर्श रेखा हो गया। अब इसी बात को लिख देना है। ओके अब देखिए जो भी काम किया मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए ध्यान से, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचा जी, है ना जी, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींचा, O से OP, 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, देखिए यहाँ से खींचा 10 सेंटीमीटर रेखा, क्योंकि यहाँ से तक 6 था तो 4 और बढ़ा दिए तो 10 हो गया, और क्या किए, खींचने के बाद OP को समद्विभाजित किया, आधा अधिक काट दिए। अब ये जो M यहाँ पे, इसको M, अब जो OP का केंद्र क्या माना, M माना OP को केंद्र, तो लिखा मैंने M को केंद्र मानकर, और MP को त्रिज्या माना, है ना, MP को त्रिज्या माना और त्रिज्या मानकर क्या किया, एक वृत्त खींचा, MP को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जो A और B बिंदु को प्रतिच्छेद करती है ना। देखिए जो वृत्त खींचाया है, A को काट रहा और B को काट रहा, हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, AP और PB को मिलाया, देखिए PA PB को मिलाया, इस प्रकार PA और PB दो स्पर्श रेखा की रचना हो गई। क्लियर है, तो इस तरह के सवाल आता। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए आपके जो सवाल आते हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क बनाना है। पहला होमवर्क यहाँ पे आपको ये एक उधर वाला होमवर्क है, एक ये लेसन वाला होमवर्क, ठीक है ना, इसका पहला होमवर्क आपको मिलेगा जो सेम सवाल है आपको बनाना है, ठीक है ना। और अगर आप टेलीग्राम से मेरे से जुड़े हुए हो या व्हाट्सअप से जुड़े हो तो मेरे पास बना के भेजना, ठीक है। ये 4 के जगह पे तुम लोग 3 करना, ठीक है, 4 के जगह पे तुम लोग 3 करेगा, 4 सेंटीमीटर के जगह पे तुम लोग 3 सेंटीमीटर करोगे, इसको फोटो ले लो। और दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये 6 के जगह पे तुमको करना कितना, 6 के जगह पे तुमको करना है कितना बोलते हैं, 6 के जगह पे तुमको 4 करना, ठीक है, 6 के जगह पे 4 और 10 के जगह पे 7, बाकी सेम सवाल, 6 के जगह पे 4, 10 के जगह पे 7। इसको दो क्वेश्चन को बनाओ तुम लोग खुद से, और जो मैं दोनों क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए वो क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है, ठीक है, वो एग्जाम में आया हुआ है, और जो मैंने सवाल बताया वो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से बनेगा, और मुझे पूरा लिख के बताना, ये पूरा जो जिस तरह से रचनाएं हैं ना वो पूरा लिख के बताना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया, मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर देना, या तो नहीं भी शेयर कर सकते हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, सर मैंने बना लिया, ठीक है ना, और आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे भेज सकते हो बना के, या तो टेलीग्राम पर। ओके डैट्स ऑल, वीडियो को लाइक लाइक वाइक करना। अब लास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।